दाता भला करे। एक प्रश्न आया है कि दान का अधिकारी कौन, दान किसको करें और दान कैसे करें। मेरे को एक पुरानी बात याद आ गई, बहुत समय पहले की बात है। मेरे एक मित्र हैं, उनके ऊपर कुछ संकट के बादल घिरे आए, तो उन्होंने अपनी जन्मपत्री किसी विद्वान ज्योतिष आचार्य को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर जो है ये साड़सती चल रही है, इसके लिए आपको कुछ दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपका बोझ औरों में बंट जाए। तो वो मेरे पास आया और मेरे को कहने लगा कि ये बात मेरे को पंडित जी ने बताई है, तो मुझे दान करना है। तो मैंने कहा भी दान करना है तो कर दो, किसको करोगे। वो कहने लगा कि जो कुश्ती है यानी कोहड़ी है, मैं उनको दान करूँगा। मैंने कहा भैया पहले उनसे पूछ लो कि वो खाएंगे, उनका मीनू अपना होता है, वो ऐसे नहीं कि आप दाल चावल बना के ले जाओ तो वो खा लेंगे। तो ये तो बात एक है कि उनसे पूछना उनका मीनू क्या है। फिर मैंने कहा कि मेरी बात सुनो, जो पहले ही अपने कर्मों के मारे हुए हैं, अब वो तेरा बोझ कैसे उठाएंगे। तो उसने कहा कि फिर ये बात तो ना मैंने सोची है ना किसी ने मेरे को बताई है, ये कुश्ती तो अपने कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का, ये रोग जो है वो उनके पिछले जन्म का है, वो भोग रहे हैं। तो फिर कहने लगा कि मैं गरीबों को खिला दूं। मैंने कहा ये भी वही बात हुई कि गरीब तो पहले ही गरीब हैं, उनके ऊपर भी तो वही पिछले जन्म का बोझ है, तो वो तेरा बोझ कैसे उठाएंगे। तो कहने लगा फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा भी अगर तूने भोजन ही करवाना है ना, तो अच्छे लोगों को, अमीरों को खिला, संपन्न लोगों को खिला। तो कहने लगा कि वो मेरा भोजन कैसे खाएंगे, मैं किसी को कहूँगा तो मेरा भोजन आपको कराना है, वो तो कोई आएगा ही नहीं, तो इसका तो रास्ता मेरे को नज़र नहीं आता। मन का रास्ता ये है कि अपने घर में या तो तू कोई पाठ रख ले, और पाठ की समाप्ति पर जो आए हैं ना उनको तू भोजन करवा दे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकता है तो गुरुद्वारे में लंगर बनता है, संक्रांति के दिन बनता है, तो उसमें हिस्सा डाल दे। तो उसमें जी उसमें भी तो बहुत पैसे लगते हैं। फिर मैंने कहा कि बात यह है, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तो उस तरह से कर ले, और लेकिन करना तू विश्वास के साथ। कहने लगा जी बोलो क्या करूँ। मैंने कहा ये जो देसी होते हैं ना बिस्कुट आटे वाले, जो भटके होते हैं, खुरदरे से होते हैं, अच्छी कंपनी क्वालिटी के बिस्कुट नहीं, नॉर्मल बिस्कुट, उन बिस्कुटों को अपनी हैसियत के मुताबिक दो तीन चार जैसा भी तेरे को ठीक लगे, उन बिस्कुटों को रोज तू जो है ना, वो जो चींटियां के भवन है ना, जहाँ से चींटियां निकलती हैं, छोटी चींटियां, बारीक चींटियां, तो उनके ऊपर जहाँ से वो आती है ना, उनसे थोड़ी दूर, कोई 6 इंच की दूरी पर, एक हाथ की दूरी से पहले पहले ही उन बिस्कुटों को तोड़ के बारीक बारीक करके तू वहाँ डाल दे, अब वो खा जाएंगी। वो कहने लगा जी वो चींटियाँ तो, मैंने चींटियाँ तो नहीं, तेरा काम जो है ना पंडित जी के मुताबिक दान करने से बनेगा, और दान का मतलब है कि किसी का पेट भरना चाहिए। तू किसी एक को भी अगर चाहे ना भी एक महीना निरंतर भोजन करवा दे, तो नहीं करवा सकता, क्योंकि रोज रोज एक ही चीज खाने से जो है ना, खाने वाला कहता है अरे रोज ही दाल भात, रोज ही दाल भात, रोज ही दाल चावल, कुछ तो और बनाओ। तो वो जो चींटियां हैं उनका पेट भरेगा, वो तेरे को दुआएं दे या ना दे, परमात्मा तो देखता है ना कि इस बंदे ने आज 500
जीवों के पेट को भोजन दिया। ऐसा निरंतर तू करता रहे और 40 दिन ये तू काम कर, और जब जाए घर से निकल के वहाँ तक, चाहे वो तेरे घर से 10 फुट की दूरी पर हो, चाहे 100 फुट की दूरी पर हो, परमात्मा का नाम लेके जाना और परमात्मा का नाम लेके आना, ये तेरे लिए बड़ा सरल आसान लंगर रहेगा। और अगर तेरे पास कोई थोड़ा और साधन है तो अपनी छत पर पंछियों को दाना डाल दे। वो टुकड़ा चावल होते हैं वो मिल जाते हैं सस्ते में, या बाजरा है वो मिल जाता है, जैसे तेरी जेब तेरे को इजाज़त दे वो तू काम कर ले। वो कहने लगा जी बात तो ठीक है, तो मेरे को आप लंगर के बारे में कुछ थोड़ा और बता सकते हैं? मैंने कहा भी मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, चलो बैठ जा, तेरे को आज लंगर का महत्व भी मैं बताता हूँ। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मजार है, और वो खुदा की बंदगी करने वाला था, पर उसको रोज की एक रोटी मिलती थी। एक दिन इबादत में मस्त बैठा हुआ वो खुदा से कहने लगा कि परमात्मा मेरे को एक रोटी, तो आगे से वो आवाज़ आई कि तेरे नसीब में बहुत कम रोटियां हैं। उसने कहा कि कितनी रोटियां हैं, तो आगे से आवाज़ आई कि तेरे नसीब में अब केवल 10 रोटियां बची हैं। तो उसने कहा खुदावंद करीम कि मेरे को तू 10 की 10 रोटियां आज ही दिलवा दे। वो कहते हैं कि उसको 10 रोटियां मिल गई। उसने एक रोटी खाई जो रोज़ खाता था, और 9 रोटियां जो है ना वो उसने दान कर दी, अपने हिस्से की 9 रोटियां दान कर दी। यहाँ पर यही भेद है कि भोजन आपको मिलता है आपकी थाली में परोसा हुआ, 2 फुलके या 3 फुलके मिलते हैं, आप उसमें से आधी रोटी या 1/4 रोटी अगर आप दान करते हो तो आप अपने हिस्से की रोटी का दान करते हो। तो उसने 9 रोटियां दान कर दी, अगले दिन उसको 9 की 90 मिल गई। उसने एक खाई बाकी बांट दी, तो आगे उसके बाद और मिल गई। अब वहाँ पर लाखों लोगों का रोज का जो लंगर चलता है और बिना किसी से पैसे मांगे, और ऐसा ही अब जो लंगर की प्रथा गुरुद्वारे में है उसको भी समझो। गुरुद्वारे में लोग दान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने ये कहा है कि अपने हिस्से में से दान करो, और ये प्रथा कही है गुरसिख को कि अपनी कमाई का जो है ना वो 10वां हिस्सा तू दान कर दे। और दान करने के लिए सबसे जो उत्तम है वो है लंगर। गुरुद्वारे में बिना भेदभाव के सबको लंगर मिलता है, अमीर को भी मिलता है, गरीब को भी मिलता है। एक बार किसी एक साधे से आदमी ने ये चैनल पे एक पुरानी बात डाली थी कि वो गया गुरुद्वारे के बाहर, तो भूखा था, उसने पूछा भाई मेरे को भोजन मिल जाएगा? किसी ने कहा कि तू भूखा है, गुरुद्वारे चला जा, वहाँ लंगर बंटता है। तो वो गया तो गुरुद्वारे में पूछा उसने कि मेरे को भोजन मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ, ये पंगत लगी है, यहाँ पे बैठ जाओ। वो बंदा बैठ गया और भोजन किया, और उसके साथ कोई सज्जन पुरुष बैठे थे बहुत अच्छे, यानी देखने में ऐसे लगता था कि वे बहुत रहीस है। तो जब उसने भोजन किया और भोजन करके वो बाहर आया, तो वो वहाँ पर लोग उसको पूछने लगे तू जानता है कि तेरे साथ कौन बैठा था? कहने लगा नहीं, कोई अमीर आदमी लगता था। कहने लगे कि वो जो था ना वो पटियाले का राजा था। यानी लंगर में भेदभाव नहीं होता, भेदभाव से दिया गया खिलाया गया लंगर जो है ना वो परमात्मा की दरगाह में प्रवान नहीं होता। तो इसी बात पर मैंने उस भाई को कहा कि तू बिस्कुट डाल और दाना डाल, 40 दिन का संकल्प ले, और परमात्मा कृपा करे तेरे लंगर पे जो चींटियां का पेट भरेगा वो प्रसन्न हो जाएगा, तो तू बहाल हो जाएगा। सो इस
कथा का यही मेरे कहने का जो सार है ना कि अपनी कमाई से दान करो, अपने हिस्से से दान करो। और ये जो गुरसिख लंगर लगाते हैं, अभी कोरोना काल में आप में से बहुतों ने सुना होगा कि जगह जगह पे लंगर लगे थे, भोजन के लंगर भी लगे थे, मेडिसिन के लंगर भी लगे थे और ऑक्सीजन के लंगर भी लगे थे। और एक बार ये सुनने में आया था कि न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में रोज हजारों लोग जो है ना वो भोजन करने आते थे। तो यूएसए के राष्ट्रपति ने वहाँ पर पहुँच की कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम लोगों को बना के भोजन करवा सकें, आप बनाइए, हम आपको राशन यानी जो सामग्री चाहिए वो हम दे देंगे। तो वहाँ के जो गुरुद्वारे के प्रबंधक थे ना, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी के पास के महामहिम, हमें राशन नहीं चाहिए, ये जो राशन है वो सब अपने आप गुरु महाराज की कृपा से गुरुद्वारे में आता है, आप हजारों क्या लाखों भी अगर लोग होंगे भोजन करने वाले तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। सो इतना महत्व है लंगर का। हाँ, लंगर करने वाला का अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं लंगर करवा रहा हूँ बस, नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, मैं उसमें से थोड़ा सा जो है ना बांट रहा हूँ बस। ये जो बातें हैं ये बहुत समझने वाली बातें होती हैं। और कभी कभी ऐसी बात सुनने में आती है, जैसे आज मेरे को दान के बारे में किसी ने पूछा तो मैंने इसके ऊपर जो आप जी के साथ चर्चा कर दी। बाकी मेरी यही विनती है कि आप मेरे को लिख के कुछ मत भेजा करो। कुछ लोग ऐसे हैं वो आदर सत्कार रूप वो शुक्रिया लिख देते हैं, या वो हाथ जोड़ने वाले चिन्ह दे देते हैं, या कुछ और कर देते हैं। आप ऑडियो को सुनिए, आप में उसको जो अच्छा लगे वो मेरे को वॉइस मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी दूसरी है कि अगर अच्छी लगती है तो आप अपने लाइक माइंड लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए। कोई मालूम नहीं होता कि किसको किस बात से लाभ हो जाए। कहते हैं ना कि शब्द की चोट बड़े बड़ों का जीवन बदल देती है। तो आप सुनते हैं, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। दाता भला करे।